अस्सलामुअलैकुम। वाले सलाम, ठीक है जी सर, आपका नाम? जी काजी दाइम। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस मेले में कैसा महसूस कर रहे हैं? बच्चों का मेला है और चले आउटिंग हो जाती है सारे, और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले लोगों को मरी और इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे इस मेले में आके बहुत सारे लोग जो कि मरी और इस्लामाबाद जा सकते वो भी यहाँ पे आके दे इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी इंतजामियों को मुबारकबाद है, और हमारे लोगों को यहाँ पे रोजगार मिलता है सबको, और ये बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर खुसूसन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस मेले को यहाँ पे करवाने में। इसके साथ सली सरकार अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी जो है कवाली और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही है। ठीक है, ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने तनवीर अलियास साहब और पीटीआई की तमाम गवर्नमेंट को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अंदाज किया, यहाँ पे भी है और दरबार पे भी है। मैं समझता हूँ ये सारा हमारी हुकूमत का और हमारे वज़ीर आज़म का क्रेडिट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रफाकत गुजर। अच्छा रफाकत साहब, मेले में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कायद, मुझे तो अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे, और ये देखिए ये कश्मीर की रौनकें हैं। हर बंदा एक दूसरे को मिलता है, भाईचारा पैदा होता है, और प्यार मोहब्बत ज़्यादा बढ़ता है, और खुशियाँ हैं, रौनकें हैं, और सहेली के साथ के ये देखें मैं सब इन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि इससे पहले लोगों को मरी और इस्लामाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके इस दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ही हो रहा है, तो कैसा क्या महसूस होना चाहिए? कायद, मैं ये कह रहा हूँ कि मुजफ्फराबाद में ये हैं लोग अच्छे हैं, यहाँ पर इनका अखलाक अच्छा है, बाहर से कोई टूरिज्म आता है उसके एहतराम करते हैं, उसको रहने की जगह देते हैं, और उनके साथ मिल के भाइयों वाला सलूक करते हैं। मैं तो लोगों को यही कहूँगा, मरी वगैरह को छोड़े, आप कश्मीर आए, हम हर टाइम आपके साथ ताबेदार हैं। जी ना जी, तो इस वक्त मेले में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमें एक भाई मिले जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ज्वेलरी का सामान लगाया, वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पे आके और इस मेले को किस तरह देखना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा सुल्तान भाई, हम देख रहे हैं ज्वेलरी का सामान लाए आपने। जी, इस तरह किसी से तो मुजफ्फराबाद में भी काफ़ी तादाद में और बड़ी बेहतरीन चीज़ें यहाँ पे बेची जा रही है, तो इस मेले में ये चीज़ें आपको लाने का कितना बड़ा फ़ायदा होगा? जी जी, ये हम काफ़ी देर से आते हैं, मैं ननकाना साहब पंजाब से आता हूँ, और सखी सही सेली सरकार के उसके मुबारक मौके के पुरजे जितनी भी रौनक है इसके हर साल हम अटेंड करते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है। हमारे पास ज्वेलरी होती है, कॉस्मेटिक्स होती हैं, और बहुत सारी प्यारी सी चूड़ियाँ होती हैं जो कि यहाँ पर जो यहाँ की लेडीज़ हैं और जेंट्स लोग हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में लेते हैं हमसे, इनकी बहुत मोहब्बत है हमके साथ। कश्मीरी हमारे भाई जो हैं जितने भी, हमें बड़ा एक अच्छा मौका मिलता है कि हम इनकी खिदमत भी करें, साथ में बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। अच्छा, तो इससे पहले कश्मीर आ चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, मैं पहले भी आता हूँ, लेकिन साल के एक साल के बाद हम मुजफ्फराबाद में आते हैं, ये कैपिटल सिटी है, यहाँ का एक माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोगों का बड़ा एक अच्छा जोश है, और बड़ा अच्छा फील होता है कि यहाँ पर हम साल बाद आते हैं और ये बड़ी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। बाहर पर देखने वाले कश्मीरी आवाम के लिए क्या मैसेज है? कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ बड़ा तावन यहाँ पर करते हैं, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अल्लाह निगेबान।